तरक्की और नवीनता से प्रेरित दुनिया में हमारा मानना है कि खुशहाली कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि सभी के जीवन को समृद्ध बनाना चाहिए। HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड अपने आसपास के क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिए वचनबद्ध है और इस दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। हमारे कार्यों का उद्देश्य केवल व्यावसायिक सफलता नहीं है, बल्कि उनका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समाज के परिवर्तन में योगदान देना है। ज्ञान और विज्ञान समृद्धि के साथ साथ आदर्श समाज की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। इसलिए पंजाब व हरियाणा के 90 स्कूलों के 18,000 से ज्यादा छात्रों के सपने साकार करने की कोशिश में HMEL की CSR टीम हर कदम पर स्कूलों के साथ चलती नजर आती है। बच्चों को विज्ञान के व्यवहारिक ज्ञान के लिए 5 सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक साइंस लैब स्थापित कर स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी का एक बहुत बढ़िया उपराला है, जिस तहत इस ब्लाक दे विच यह 5 लैब जिहड़ियां बनाईयां गईयां हन। हरेक लैब दे विच 92 मॉडल रखे गए हन। बच्चे वख्खरियां वख्खरियां एक्टिविटीज ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। भविष्य के खिलाड़ी तैयार करने के लिए स्कूली बच्चों को खेलों के साथ जोड़ने के यत्न किए जाते हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ। ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਗੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੈਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੋਂ ਮੇਂ ਥਿਊਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਮਰੋਂ ਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਓਂ ਕੋ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਆ ਗਿਆ, स्कूलों को नया फर्नीचर दिया गया। बच्चों के खेल कूद को आनंदमय बनाने हेतु स्कूलों में झूले लगाए गए। छात्रों के भविष्य को तराशने के लिए बड़े स्तर पर स्कॉलरशिप दी जाती है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। बेटियों की शिक्षा को और आसान बनाने के लिए स्कूली छात्राओं को साइकिल दिए जाते हैं। किशोरी छात्राओं के लिए काउंसलर्स की मदद से मेंस्ट्रुअल हेल्थ अवेयरनेस शिविर आयोजित कर मासिक धर्म स्वास्थ्य से जुड़ी गलतफहमियों को दूर किया जाता है व इससे जुड़ी और जानकारियां भी दी जाती हैं। इसके साथ ही छात्राओं को व्यक्तिगत स्वच्छता किट भी प्रदान की जाती है। सभी स्कूलों के छात्रों को न केवल विभिन्न प्रकार की मौलिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, बल्कि उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म, बैग, स्टेशनरी भी दी जाती है। नाभा फाउंडेशन के साथ साझेदारी में HMEL ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए भारतीय शिल्प कला को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। महिलाओं का सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से 46 गांवों की महिलाओं को प्राचीन शिल्पकारी सिखाते हुए पंजाब की फुलकारी को प्रोत्साहित किया है। महिला सशक्तिकरण के लिए 404 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर 4200 घरेलू महिलाओं को ट्रेनिंग देकर कारोबार स्थापित करवाकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਗਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਜ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸਨ 2018 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। युवाओं में कौशल विकास के लिए NSDC के सहयोग से वेयर हाउस पैकर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT हेल्प डेस्क अटेंडेंट, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, ब्यूटी थेरेपिस्ट, सिलाई मशीन ऑपरेटर, बेकिंग टेक्नीशियन की ट्रेनिंग दी जाती है। मैंने गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी तो ट्रेनिंग बारे पता लग गया, मैं 3 महीने की ट्रेनिंग ली
फिर असी तीन चार जने ने रल के मतलब बुटीक खोलिया। मंथली इनकम 15,000 है। ग्रामीणों के जन जीवन में सुधार लाने के लिए स्वच्छ वातावरण प्रदान करने की हर संभव कोशिश की जाती है। इसके लिए ग्रामीण सड़कों, अनाज मंडियों और सार्वजनिक इमारतों को अपग्रेड किया जाता है। स्वच्छ जल के लिए तलवंडी साबो में जल भंडारण तालाब और सक्शन वेल का निर्माण किया गया है। ग्रामीण युवाओं को खेल प्रशिक्षण और खेल बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाता है। HMEL हर कदम पर ग्रामीण भारत को साथ लेकर और हर तरफ से सशक्त बनाकर देश की प्रगति में योगदान दे रहा है।